जय श्री केदार दोस्तों, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना? तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद मेरी मुलाकात है। अराउंड 40 डेज बाद मैंने कावड़ यात्रा दिखाई थी आपको, हरिद्वार कावड़ यात्रा, उसके बाद मुरादाबाद कावड़ यात्रा दिखाई थी और ब्लॉक कर दिया था अपने आप को भी और अपने यूट्यूब चैनल को भी। हाँ, मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं डीजे यहीं तक दिखाऊंगा 2024 का, तो उसके बाद मैंने डीजे ब्लॉग दिखाने बंद कर दिए थे। और वो डीजे ब्लॉग क्या, मैंने सभी कुछ बंद कर दिया था। उसका एक रीजन रहा है, क्या रीजन रहा है, क्यों गायब था इतने दिन तक और क्यों नहीं आया, और अभी भी आप लोगों को पास अभी और टाइम लगेगा मेरे को आने में। लेकिन रात मैंने एक लाइव चलाई थी और मैं गया था शिव बारात में, और आप लोग जानते हैं कि शिव बारात, शिव भोलेनाथ मेरे लिए क्या अहमियत रखते हैं। बहुत ज़्यादा मेरी उनमें शक्ति कहो, आस्था कहो, कि भोलेनाथ के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है। तो शिव बारात थी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि सामने से फ़ोन आया था अर्पित भारद्वाज जी का कि राकेश भाई आपको आना है, आना है, आना है, और कोई बुलाए और ऊपर से भोलेनाथ जी के मेरी हो तो मैं ना जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए चला गया था। अदरवाइज़ ये मेरा गैप थोड़ा और लंबा जाना, अभी 10-15 दिन और लगेंगे, उसके बाद आप लोगों के साथ पूरा दमखम जोश से आप लोगों के साथ रहूँगा। तो थोड़ा सा और, लेकिन क्यों गायब था ये मैं पक्का बताऊँगा, क्यों गायब था, क्यों नहीं आया YouTube पे, ये मैं सब कुछ बताऊंगा, क्या मेरे साथ हुआ है, क्या मैंने फील किया है, या क्या जो भी कुछ है वो एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ज़बरदस्त शेयर करूंगा। तो फिलहाल आज आप ये वाले वीडियो देखिए, ठीक है ना दोस्तों, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, क्योंकि आप लोगों के ना इतने ज़्यादा मैसेज हैं, मैं वो मैसेज भी दिखाऊंगा कि भरमार है। मैं अगर हजारों की तादाद में बात करूँ तो हजारों की तादाद में मैसेज पड़े, राकेश भाई कहाँ हो, क्या हो गया, हम आपके साथ अगर कोई दिक्कत हो तो दोस्तों दिक्कत कुछ नहीं थी कि हाँ या कि मुझे कोई दिक्कत थी या मुझे कुछ ऐसी बात हो गई तो मैंने YouTube चैनल छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हुआ क्या वो मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो फिलहाल आप ये वीडियो देखो, उसके बाद ऑनलाइन भी आऊँगा और वीडियो डाल के भी बात करूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है दोस्तों। एक मैं लाइव चला रखी है मैंने, और अभी मैं बाबा के पास लेके चलता हूँ आप लोगों को। बाबा जय श्री केदार, हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो? एकदम मस्त ना? तो दोस्तों बहुत समय बाद आप लोगों ने मुझे देखा होगा, करीब मैं मस्त होंगे, अराउंड 40 डेज बाद आप लोगों के सामने मैं आया हूँ। शोर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रहा, इसलिए डायरेक्टली कुछ ज़्यादा आप लोगों का भी टाइम नहीं लूँगा, मैं खुद बोल भी नहीं पाऊँगा ज़्यादा। लेकिन 40 दिन बाद आने का एक रीज़न है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आप लोगों ने बार बार पूछा भी राकेश भाई कहाँ हो, इतने दिन से कहाँ गायब हो, तो एक ही चीज़ का जवाब दूंगा, ये भी बताऊंगा कि ये 40 दिन मैं कहाँ था और क्यों यूट्यूब से दूर था, हर चीज़ का जवाब दूंगा। लेकिन अगर 8% की अगर बात करूँ तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, मेरा गेटअप थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा होगा, माध्यम टीका भी दिखाई दे रहा होगा, पटका भी दिखाई दे रहा होगा। तो आज है, मैं हूँ शहर सराफा बाजार में, और यहाँ पर शिवखाना मैदान है, यहाँ से निकलने वाली है शिव बारात। शिव का कोई कार्यक्रम हो या कोई प्रोग्राम हो, बाबा का आशीर्वाद है, ऐसा हो ही नहीं सकता राकेश वहाँ ना जाए, क्योंकि मेरी श्रद्धा जो है बहुत ज़्यादा है बाबा भोलेनाथ में। तो इसलिए आज आपके पास दोबारा आया हूँ, और दोबारा लाने का श्रेय भी जिस बंदे को जाता हूँ मैं उससे जरा मिलवा देता हूँ, क्योंकि वरना आप जैसे भाइयों ने बहुत लोगों ने बुलाया कि राकेश भाई आओ, मैं नहीं आ पाया, उसके लिए दिल से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जब भोलेनाथ का बुलावा आया और बंदे ने बुलाया उससे मैं बुला देता हूँ। तो एक मिनट के लिए अभी मुलाकात करवा दो जिसने मुझे बुलाया। नहीं नहीं क्यों नहीं बोलोगे? तो देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे अर्पित भारद्वाज जी। कैसे हैं अर्पित जी? मेरे भैया। और बैठो एक मिनट अर्पित। और अर्पित भाई की अगर मैं बात करूँ ना, बाहर की अगर आप देख सकते हैं तो शोर हो रहा, क्योंकि बारात निकलने का टाइम हो गया, सी बारात। फिलहाल जय शंकर की। तो दोस्तों ये नंदी बाबा है, इसमें विराजमान होंगे बाबा, तो सबसे पहले देख सकते हैं आप। और वो डोला सामने की अगर मैं बात करूँ, एक मैं लाइव चला रखी है मैंने, और अभी मैं बाबा के पास लेके चलता हूँ आप लोगों को। बाबा के पास करूँ ना तो मेन जो पुराने लोग हैं, जो यात्रा के साथ पुराने लोग जुड़े हुए हैं, तो ये हैं सीनियर सिटीजन हमारे। तो देख सकते हैं बाबा को यहाँ, ये हमारे सीनियर सिटीजन, जिनकी छत्र छाए में ये यात्रा हमेशा निकलती है। और वो घड़ी आ चुकी है जिसका लोगों को कई घंटे से इंतजार था, तो बस कुछ ही पल में बाबा बाहर आएंगे,
और विराजमान होंगे अपने नंदी पर और यात्रा आगे की तरफ को प्रस्थान कर जाएगी। तो यहाँ की अगर मैं झलक दिखाऊं तो अंदर बैठे बाबा। बहुत देर से लगे पड़े कि हमने आपका सब्सक्राइब किया हुआ सब्सक्राइबर। बढ़िया लगा, जयकारा लगा लो एक बार। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है मेरी, तो एक बार सच्चे दिल से जयकारा लगा लो। जय माँ काली, जय माँ काली।
तो दोस्तों यहाँ सवारी में एक दिक्कत आ रही है कि डोला कुछ आगे रह जाता, फिर बीच में गैप रह जाता, फिर पीछे डोला रह जाता, फिर गैप रह जाता है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं, भैया भगा भगा आ रहा है, भैया आ रहा है, भैया हम आपके सब्सक्राइबर हैं। गजब का बज रहा है उधर। अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र की धुन बज रही है, बहुत ही गजब बज रही है। और ये जो यात्रा निकलती है ना, ये शहर की पतली पतली गलियों में से निकलती है। इस यात्रा की यही खासियत है कि ये मेन बाजार में तो निकलती है, लेकिन उसके बाद ये फिर पतली पतली की शहर की जो बहुत पतली पतली गलियां हैं, लाला का बाजार हुआ इधर से, आपका ये कांच का वो कुछ कहलाता है इधर, हाँ, तो आप देख रहे हैं बहुत पतली गलियां हैं और पुराने पुराने मकान हैं। माँ सरस्वती ना है, बस शुक्रिया 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 भाई, शुक्रिया शुक्रिया, थोड़ा सा पीस काट के मुंह में डाल दो, बस इतना ही बहुत है। चलिए चलिए, जय बाबा, जय हो, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों यहां से मैं अपने घर जा रहा था, अपने हाथी को लेने जा रहा था, क्योंकि मेरा हाथी वहां पे खड़ा हुआ आपका पुराना गेट पे। तो यहां पर अपने कुछ सब्सक्राइबर हैं, ये तीन सब्सक्राइबर एकदम से आवाज लगाए, नाम है समझ गया आनंद, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक, गुड नाइट। तो ठीक है ना दोस्तों, तो चलते हैं और पहुंचते हैं घर।